जो क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं सर, जो जो उसमें मतलब क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ाई हुई नहीं है, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन सेकेंडरी स्टोरेज बाकी सब कुछ सर। ये जैसे एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन टेक्निक्स, एक्सप्लेन इट बाय व्हाट प्रोसेसर स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सर, तो मैंने कुछ बताया नहीं है। बताया हूं मैं, अभी वीडियो खोल के दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें दिखाया मैं 445 में बताया हूँ, क्योंकि बीएससी आईटी 445 का चलता था, 444 में बताया ये चीज, ये मान सकते हैं। क्या जानना है? यूनि प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर में डिफरेंस क्या है सर? ये बताया कि नहीं बताया? यूनि प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर, देखो ए सिस्टम विच हैज ओनली वन प्रोसेसर दैट इज कॉल्ड यूनि प्रोसेसर सिस्टम। ए सिस्टम विच हैज मोर देन वन प्रोसेसर दैट सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर। समझ गए? बताओ पढ़ा क्या है उस क्लास में, वो ऑन करो। इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो ना। एक्सपीरियंस ऑफ फ्लो चार्ट क्या सर, एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है सर? तुम लोग का जब क्लास में जो चीज छूट रही थी तुमको राज बोलना चाहिए ना कि ये चीज चाहिए। सब बच्चे कभी कुछ बोले कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, तो हमको तो सबको लेके चलना है ना, सारे बच्चों की बात हमको माननी पड़ेगी। मेन हो रहा है जैसे ऑफलाइन कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ आज प्रेजेंट हुए कुछ कल हुए, इसके चलते प्रॉब्लम है, और कोई कारण नहीं है। जैसे फ्लो में एवरीथिंग विल बी इन फ्लो, कहीं सिलेबस किसी का नहीं छूटेगा। हाँ क्या पूछ रहे थे? ठीक है बताता हूँ, दिखाएं कि नहीं? लिखो फ्लो चार्ट, आप लोग भी ऑनलाइन लिखिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज ए लिख रहे हो ऑनलाइन बच्चे, लिख रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ flow chart is a graphical and pictorial representation of an object comma process comma sub process comma
इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट कॉमा डिसीजन बॉडी एंड कंडीशनल चेकिंग, एंड कंडीशनल चेकिंग, समझ गए? यस सर। अब मैं इसमें इसके कुछ डायग्राम होते हैं, मैं उसको शेयर कर देता हूं, ठीक है सर? डायग्राम वाला है सर। क्या हुआ? ये दिख रहा आप लोग को? देखिए, पहला को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट को ओवल बोलते हैं। डायग्राम बनाइए, ये इस वन और बड़ा कर दें, ये दिख नहीं रहा है क्या? ऑनलाइन आप लोग को दिख रहा है? नो सर। ओके, जस्ट ए मिनट। दिख रहा है? यस सर। मेनली ये फाइव सिंबल होते, और सिंबल होते, लेकिन मेनली ये फाइव होते और सिंबल होते, मतलब 10-12 होते हैं, लेकिन ये फाइव में ही मेन होता है। तू बहुत सुना दे। फर्स्ट है ओवल, सेकंड है एरो, थर्ड है पैरेललोग्राम, फोर्थ है रेक्टेंगल, फिफ्थ है डिसीजन, फिफ्थ है डिसीजन। ऑनलाइन आप लोग लिख रहे हैं सारा सिंबल और उसके सिंबल नेम और फंक्शन लिख रहे हो तुम लोग? यस सर, स्क्रीनशॉट लेनी है सर।
सब लोग लिखिए। ओवल स्टैंड्स फॉर ओवल रिप्रेजेंट्स ए स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। एरो मींस एरो जिधर डेटा फ्लो करेगा, डेटा फ्लो को दिखाने के लिए, डेटा फ्लो डायरेक्शन को दिखाने के लिए एरो यूज होता है। A line is a connector that shows relationship between the representative shapes. तो shapes के बीच line उसे भी मतलब data flow हो रहा है। Third, parallelogram is used for input and output. और process के लिए rectangle process के लिए rectangle. और decision making के लिए diamond. Decision making मतलब क्या समझते हो? ठीक है, मैंने दिया 2+3 दो नंबर, तो 2+3 करना है फ्लो चार्ट के थ्रू। कैसे करेंगे? पहले स्टार्ट इनपुट आउटपुट इनपुट इसी में लेंगे ए 2+3 2+3। अब प्रोसेस में क्या कर देंगे 2+3। डिसीजन की तो जरूरत है नहीं, हो गया आउटपुट। फिर आउटपुट में आ गया पैरेललोग्राम। अगर एक आया कि कोई बच्चा 60% से ऊपर लाया तो वो फर्स्ट डिवीजन है, 60% से नीचे लाया है तो वो सेकंड डिवीजन है। अब कंडीशन हुआ स्टार्ट, यहाँ डिसीजन मेकिंग हो गई, फर्स्ट स्टूडेंट लेस देन 60, तो आउटपुट क्या आएगा? इफ अ स्टूडेंट लेस देन 60, इस बॉक्स में लिखा जाएगा स्टार्ट शुरू करके, तो क्या आएगा फिर आउटपुट क्या दिखाएगा? सेकंड डिवीजन। अगर स्टूडेंट 60 से ज्यादा है तो यही कंडीशन ही तो फ्लो चार्ट है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई पेशेंट गया किसी हॉस्पिटल में दिखवाने, वहां 20 डॉक्टरों की लिस्ट है, कितने डॉक्टरों की 20 और वहां पहुंचे 100 पेशेंट एक जगह पहुंचे, कोई डायबिटिक है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर है, कोई किडनी है, तो वहां हॉस्पिटल में आपसे कहता है कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, क्या दिक्कत है, तो वहीं से वो डिसीजन लेना शुरू करता है। आप कहें कि शुगर की दिक्कत है, तुरंत आपको शुगर वाले डॉक्टर से नंबर लगा देगा, कि बीपी वाले से लगवा देगा, दूसरे चर्म रोग से करवा देगा। तो क्या फ्लो चार्ट ही तो है जो सिस्टम के अंदर चल रहा है? नहीं चल रहा है। आपको फैन चलाना है ये वाला, तो उसका बटन दबाओगे क्या? उसी में दबाते रहोगे? नहीं, हाँ उसका है। अगर नहीं मालूम तो सब चेक करा के हम कंडीशन देखेंगे, जिससे कि भाई हमें नहीं मालूम, तो हम सब चला के ट्रू फॉल्स करके देखेंगे। सब फैन क्यों चलाते हैं? ट्रू फॉल्स चेक करते रहो, क्या करते हो, तो कोई कारण नहीं है। आपको बैठना है यहाँ, चल रहा है पीछे वाला, मतलब ट्रू फॉल्स चेक हो रहा है। तो पांच सिंबल है, पांचों के बारे में कौन बताएगा बिना देखे हुए? बिना देखे नकल नहीं करनी है, बिना देखे जल्दी फटाफट बताओ। और घबराना नहीं, अगर एग्जाम हो भी गया इंटरनल, घबराना नहीं, इंटरनल के बाद एक्सटर्नल के लिए आपको टाइम तो मिलेगा, कितना मिलेगा?
फिर भी दस दिन मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग आइएगा कभी भी मुझसे, मेरा ऑफिस देखा है। यस, तो याद नहीं रहता, तो एक्टिव लड़का है बहुत ज्यादा, तो आप मेरे ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं या बुला लेगा, सर हम खाली बैठे हैं, ये बता दीजिए क्लास है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि सिलेबस के चलते मेरा एग्जाम गड़बड़ाएगा, ये चीज नहीं होगा, बल्कि मुझे रात 8-9 बजे तक उठना पड़ जाए, फिर भी आपका कवर हो, पहले इंटरनल दीजिए, ठीक नहीं। हाँ बोलो सर, वो माइट वाला भी खर्चा ना वो खत्म नहीं हुआ, तो उसका क्या हुआ सर? प्रीवियस ईयर का नहीं बनता कि यूजन पेपर बनाते हैं तो मैथ का भैया हम नहीं बता सकते, मैथ से बात नहीं। हाँ छोड़ो आप ये सर, अब फ्लो चार्ट आप समझ गए, अब क्या समझना है? अच्छा एल्गोरिथम क्या होता है? फ्लो चार्ट में जो काम हम डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कर रहे हैं, ग्राफिक्स ही तो है सारा, ग्राफिक्स के थ्रू कर रहे हैं, उसमें हम स्टेपिंग के थ्रू करेंगे, स्टेप 1-20 जैसे उसमें स्टेपिंग ले लेंगे, स्टेप 1 इनटेक इनपुट ए, स्टेप 2 टेक इनपुट बी, स्टेप 3 टेक इनपुट सी, स्टेप 4 प्रोसेस ए प्लस बी प्लस सी, स्टेप 5 फिनिश्ड। जैसे आपको एक ऑप्शन है, यहाँ से दिल्ली जाना है, आपको कहाँ जाना है? दिल्ली। तो आपके पास तरीका है कि आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं, बाय कार भी जा सकते हैं, बाय साइकिल भी जा सकते हैं, बाय बाइक भी जा सकते हैं, बाय पैदल भी जा सकते हैं। कितने रास्ता है? 7 रास्ता मैंने जो गिना, और हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या गिना? 7। तो इसी में अगर हमसे कहा गया कि आप एल्गोरिथम लिखिए कि आपको जाना है दिल्ली, स्टेप 1 चूजेंगे, चूज करेंगे आई हैव टू गो टू दिल्ली, स्टेप 2 बाय विच व्हीकल, कौन से व्हीकल से जाइएगा, ट्रेन से, बस से, स्टेप 3 कौन सा व्हीकल हमारे लिए सुटेबल होगा, कौन सा व्हीकल सुटेबल होगा सर? कोच के हिसाब से ट्रेन से रहेगा, कोच का कोई इशू नहीं है, ट्रेन से ही फ्लाइट ही नॉर्मल फ्लाइट सही होगा। स्टेप 4, स्टेप 3 तक हम पहुंच गए, स्टेप 4 हम फ्लाइट का टिकट बुक कराए, तो अब स्टेप 4 तक तो फ्लाइट के टिकट तक पहुंच गए, फिर उस पर स्टेपिंग क्या होगी, वो चेक करेगा कि टिकट किस दिन अवेलेबल है और कितने बजे, ऐसा नहीं कि सुबह वाली फ्लाइट में तो शाम वाले में भी, ऐसा नहीं है, हर समय अलग अलग होता है, होता है कि नहीं? तो आपने देखना शुरू किया कि कौन से फ्लाइट में अवेलेबल है, फिर आपने टिकट बुक किया, फिर पेमेंट किया, एक प्रोसेस नहीं है, हम लोग बोलते हैं खट खट खट, लेकिन फिर पेमेंट किया, फिर आपका ऑनलाइन टिकट आया, फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आया, फिर जिस दिन जाना है फिर आप वहां गए, दिल्ली गए, कितना स्टेप है एक प्रोग्राम में? 12-13 स्टेप जरूर हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट में ही काम हम करते क्या, स्टार्ट करते कहाँ जाना है, आई हैव टू गो दिल्ली, उसका ऑप्शन चूज करते, फिर इनपुट करते फ्रॉम पटना टू दिल्ली, ऑप्शन बनाते, ऑप्शन मैंने हॉस्पिटल का आपको एग्जांपल दिया, किस डॉक्टर से दिखाना है, आप सबके पास तो नहीं, आपको सर्जरी कराना है और चल जाएगा फिजिशियन के पास तो होगा काम, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। तो एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है। आप दो लाइन आप लोग लिख सकते हो तो लिखो, एग्जाम्पल बेसिक से समझो, फिर हमारा मैच करोगे सर कैसा बताए।
सबको दिख रहा है ये? ऑनलाइन बच्चे तो बैठे हैं, है? दिख रहा है? देखो एग्जांपल, देखो ढंग से, ऑडियो वीडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम, गूगल मैप कैसे काम करता है, गूगल मैप सब चलाते होंगे।
शब्द आ गया क्या शब्द ऑनलाइन क्या समझे एल्गोरिथम आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं या उसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर और जितनी करेक्टनेस सही होगी इफिशियंसी उतनी सही आएगी आपका डेटा ही गलत इनपुट हो जाए क्या इफिशियंसी मिलेगी क्या आउटपुट मिलेगा बताओ तो बड़े काम में जहां सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं वहां एल्गो लगा हुआ वहां अगर गलत इनपुट हो गया तो क्या होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा ये बोलो एयरलाइंस जब उड़ रही हवा में एल्गो के थ्रू ही डायरेक्शन को हम कैच करते हैं अगर उसमें गलती हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तो दो लाइन लिख लो उसके बाद लिखो बोल दूं एन एल्गोरिथम इज ए जो आपको काम आए ज्यादा नहीं है एन ऑनलाइन नीतू आप हैं ऑनलाइन कोई बात नहीं राज है ही सिद्ध कुमार और राजेश कुमार यस सर प्रेजेंट सर लिखो मैं लिखवा रहा हूं एल्गोरिथम का डिफिनेशन लिखो एन एल्गोरिथम इज ए एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ well defined WELL well defined comma computer implementable instructions comma computer implementable instructions Typically to solve a class of typically to solve a class of a specific problems of a specific problems or to perform a computation or to perform a computations full stop algorithms are always unambiguous algorithms are always unambiguous and are used as specifications for specification for performing calculations, data processing, automated reasoning, ठीक है
मतलब एल्गोरिथम का यूज मेनली अब क्या समझोगे कि डेटा प्रोसेसिंग में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में, अर्थमेटिक रीजनिंग में, ग्राफिकल रीजनिंग में, ग्राफिकल टेक्निकल में आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, स्टेपिंग करते हैं, लिखो ये लिखवा देते, देयर आर, ये नीचे नहीं होता, अच्छा है तो देयर आर, ऑनलाइन बच्चों लिखो, देयर आर टिपिकल स्टेप्स देयर आर टिपिकल स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स। पहला लिख लीजिए, फर्स्ट प्रॉब्लम डिफिनीशन, आप लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, करोगे ना, प्रॉब्लम डिफिनीशन। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ ए मॉडल, सेकंड क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ए मॉडल। थर्ड, स्पेसिफिकेशन ऑफ द एल्गोरिदम। फोर्थ, डिजाइनिंग एंड एल्गोरिदम। फिफ्थ, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिदम। सिक्स्थ, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सेवंथ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एट, प्रोग्राम टेस्टिंग। नाइन, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन। इसमें एग्जाम में 3-4 पॉइंट भी लिख दिए तो काम, देखो क्वेश्चन लंबा है तो ज्यादा लिख दिए, क्वेश्चन छोटा है 2-3 लाइन, अपने हिसाब से कैलकुलेट करना आना चाहिए एग्जाम के लिए। बाकी तुम्हें पता है एल्गोरिथम क्या है, लेकिन लिखना वो भी एक चैलेंजिंग काम है। ठीक है, उसको जाने का मन होगा, नहीं पढ़ना है ना, इससे ज्यादा एक नहीं आएगा, हैं? और से नहीं आएगा, ज्यादा क्यों दे, क्या इतना पढ़ लोगे तब एक्सटर्नल टॉप पर जाओगे। हाँ, और तुम बताओ अब क्या है, किस क्लास में मुझे पूछा, सेकेंडरी मेमोरी, क्या पूछे तुम, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका हार्ड डिस्क ही है। स्टोरेज डिवाइसेस से क्या समझते हो, व्हाट डू मीन बाय स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, दो प्रकार के होते हैं, कोई डाउट, तुम बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये क्वेश्चन आएगा एक्सटर्नल में, इंटरनल में आए चाहे ना आए, हम्म,
अब पवन, पवन है ना? आप पवन, प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है बताओ? पवन कुमार, यस सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? सर आवाज नहीं आ रहा आपका, पूरी दुनिया सुन लिया, तुम लोग बोल दो कोई। बोलो ना, म्यूट करने में टाइम लगे, बोलो बोलो। सर आवाज नहीं आ रहा आपका सर। पवन, यू आर लिसनिंग मी? यस सर, यस सर। तो बताओ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? यस सर, अंतर नहीं बताओ सर। फर्स्ट इज प्राइमरी, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, secondary memory is also called auxiliary memory, primary is temporary memory of a computer, and secondary memory is permanent memory of a computer. Very good. Primary memory is a fast access time. आगे बोलो, देख देख के बोल रहा है क्या कहीं से? YouTube खोल ले, आंसर तो बहुत अच्छा दिया है इसलिए बोल रहा है। हाँ पवन, सर यहाँ पे हल्ला कर रहा है। ठीक है छोड़ो, सुन लो अब सब लोग सुन लेना। प्राइमरी मेमोरी इज ए मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज ए सेकेंडरी मेमोरी, समझ गए? प्राइमरी मेमोरी इज ए वोलेटाइल मेमोरी, वेयर ए सेकेंडरी मेमोरी इज ए नल वोलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ए टेम्पोररी मेमोरी, वेयर ए सेकेंडरी मेमोरी इज ए परमानेंट मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज इनएक्सपेंसिव, नॉन एक्सपेंसिव गलत शब्द है, इनएक्सपेंसिव कम खर्चीला है, इनएक्सपेंसिव मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। कोई दिक्कत? रैम और रोम भी, रोम भी प्राइमरी मेमोरी होता है। आपको दिक्कत कंफ्यूजन कहीं? सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, फ्लॉपी हो गया, और क्वेश्चन बताओ। लेकिन आप लोग का अगर मान ली कुछ क्वेश्चन इधर रह गया हो दो तीन दिन के बाद, तो एग्जाम के बाद आप लोग आओ, दो तीन चार घंटा बैठेंगे, सब खत्म कर देंगे। चिंता नहीं करना है, अपना तैयारी करना है बस। एक्सटर्नल एग्जाम के पहले, एक्सटर्नल एग्जाम तो हम बता ही रहे, इंटरनल मतलब अभी तो हम हैं ही, पूछो जितना पूछना है बोलो। एस एस डी होता किसका पार्ट है ये? नहीं भाई, एस एस डी होता है सिक्वेंशियल एक्सेस करने के लिए।
SSD का फुल फॉर्म दे दो। मैं तो जानता हूँ सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है हार्ड डिस्क को। हाँ है ना, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सीक्वेंशियल क्या होता, जैसे एक यहां से लेकर वहां तक 100 अलमीरा रखा हुआ, 100 बुक्स रखा हुआ, 100 अलमीरा रखा हुआ, 100 कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ 100 जो अलमीरा रखा हुआ है उसमें सब कंपनी का है, गोदरेज का भी है अलमीरा, लोकल भी है, डुप्लीकेट भी, सब प्रकार का अलमीरा है यहाँ से लेके वहां। टोटल अलमीरा कितना है 100। हमें गोदरेज का अलमीरा चाहिए और सिक्वेंशियली जाके डायरेक्ट नहीं, हम एक एक करके देखेंगे गोदरेज कौन है और हम उसको पिक एंड चूज करेंगे। तो वहां क्या होगा, सिक्वेंशियल होगा, सिक्वेंशियली जाना पड़ेगा। जैसे हमको 1 से 100 तक के बच्चों का अटेंडेंस लेना है तो सिक्वेंशियल जाएंगे कि 1 से बोल देंगे 1, फिर 25, फिर 75, फिर 100 खत्म। सिक्वेंशियल जाना पड़ेगा। फ्लाइट में, ट्रेन में सिक्वेंशियल जो टिकट बुक करता होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, सिक्वेंशियल बुक करता है कि एक बार कर देता है 72, फिर 55, फिर 62, फिर 10, फिर 0। तो ये है सिक्वेंशियल एक्सेस करना, जो आपका स्टोरेज डिवाइस है। जब आपके हार्ड डिस्क में जो चीजें हैं, एक्सेस कहाँ से होगा, प्राइमरी मेमोरी से तो एक्सेस होगा नहीं, वो तो बस काम करने के लिए होता है। डेटा कहाँ रखा होता है, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में। तो वहां से हम कैसे डेटा को सिक्वेंशियली फेच आउट करें, सिक्वेंशियली फेच आउट करें, वन बाय वन, सिक्वेंस बाय, इसको क्या बोलेंगे, सिक्वेंस बाय। और इसको मैं डिटेल में हार्ड डिस्क के टर्म में है, नेक्स्ट क्लास में आपका हो जाएगा, चिंता। एसएसडी क्या क्या चीज बताना है नेक्स्ट क्लास में हमको बता दो अभी। ठीक है, तो तुम यस हमको व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर देना तो अच्छा से बता देंगे, देख के एग्जाम से पहले कर देंगे, उसमें कोई इशू थोड़ी, आधा घंटा और बैठ जाएंगे, क्या होगा, दैट इज नॉट ए बिग इशू। आज 9 है ना, रोल नंबर बोलते चलना। वन थ्री ऑनलाइन का बनवा देना। वन टू थ्री फाइव सिक्स, टेन के बाद 12, कितना बच्चा है, साइन आउट कर जाएं। yes,